नमस्कार, मैं हूं भूलिंग और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। खबर गोला गोकर्णनाथ खीरी से। सुबह ऑटो से श्री हरकृष्ण कॉलेज जा रही छात्रा का रास्ते से अपहरण मामला। पुलिस द्वारा एफ आर ना लिखे जाने पर एस पी से मुलाकात करने बाद लिखी गई रिपोर्ट। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं अपहरणकर्ता। अपहरणकर्ता के बाप को पकड़ कर लाया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है। बाकी आप खुद ही सुन, लेकिन पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है। बी एस लाइव न्यूज के कैमरे के सामने आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल बी एस लाइव न्यूज पर शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। प्रकरण ये है कि मेरी बेटी सवेरे 9:15 बजे स्कूल के लिए निकली, हरिकृष्ण डिग्री कॉलेज के लिए, और मैं तीन बजे मेरे पास घर से फोन आ रहा है कि बिटिया आई नहीं है। मैंने स्कूल पता किया तो पता चला वो स्कूल ही नहीं पहुंची। ऑटो से गई थी, प्राइवेट ऑटो से अपना करके वो स्कूल नहीं पहुंची। भाई यहाँ पे आया, ढूंढा, नहीं मुझे पता चला, तो मैंने इनको गुमशुदगी का पहले दिया मैं, भाई मेरी लड़की गुम हो गई है। उनका ठीक है। फिर मुझे आधे घंटे बाद कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरी लड़की का किडनैप हुआ है। कुछ दो लड़के हैं, एक अभिषेक वर्मा और पप्पू मेन लड़का है, सनाफ वीरेंद्र वर्मा और ऋषभ वर्मा, और सनाफ श्री क्या बोल स्वर्गीय श्री सनाफ ओम प्रकाश वर्मा, ये लड़के इसमें इन्वॉल्व हैं। मैंने फिर यहाँ पे आकर के बृहस्पतिवार को इनको एक एप्लीकेशन दी नामजद रिपोर्ट लिखने के लिए। उनका ठीक है, आपको सवेरे रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको हमारे यहाँ काम शुरू कर देते हैं। शाम को पुलिस दबिश देने जाती है ऋषभ वर्मा के यहाँ, उसकी घर पे रहता है लेकिन वो घर दरवाजा नहीं खोलता है, और पुलिस वापस आ जाती है। आने के बाद जो ये हम यहाँ थाने में थे, वहाँ जाके ऋषभ वर्मा निकल के मेरे घर पे दरवाजा जाके माँ बहन की गालियाँ देता है और भाग जाता है। उस दिन से आज तक वो भी पकड़ में नहीं आया। फिर मैंने क्या बोलते हैं इनको, जब सवेरे आया तो नहीं कुछ मसला हुआ, FIR नहीं हुई, वो गुमशुदगी की तलाश लिखी गई थी कि वो गुमशुदगी है, बाकी आप एप्लीकेशन पे छापे पड़ रहे हैं। तो मैं सीधे फिर SP ऑफिस चला गया, कल SP ऑफिस गया, वहाँ एप्लीकेशन दी, तो वहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ पे कल शाम को FIR दर्ज हुई। उसके बाद आज बता रहे हैं जी तलाश जारी है, उसका लड़के का फोन बंद पड़ा है, ट्रेस नहीं हो पा रहा है। फिर मैं आज आके सब लोग 60-70 लोग यहाँ पे आए हैं, तब जाके यहाँ पे कार्रवाई शुरू हुई है, और इनके फादर को, लड़के के फादर को उठा के रखा गया है। अभिषेक वर्मा के फादर को अब उठाया है, 3 दिन हो गए हैं इधर नहीं उठाया था, आज उठाया है, लड़के फादर को उठाया, उनके फादर को पता है, उनकी लड़की को उठाया गया है, लेकिन अभी कुछ मसला हल नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ इन्होंने कहा शाम तक आश्वासन है, शाम तक आपकी लड़की मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो इनको जेल भेजेंगे। हमें उससे मतलब नहीं, हमें आज शाम तक लड़की हमारी चाहिए। हाँ लाके पेश करें, क्या क्या मैटर, हम पता चले जिंदा है मर गई, मार दिया क्या हुआ जी, वो गवाही दे हमारे सामने, उठा के लेके गए कैसे गए हमको पता चले, कुछ तो हमको पता चले कि कैसे गई है वो, उठा के ले गए कैसे ले गए, मेरी लड़की ऐसी थी नहीं, मोहल्ले में भी सब आप पता कर सकते हैं मेरे जा करके, लड़की हमारी कैसे, लड़की साक्षी गोस्वामी लक्ष्मी नगर कॉलोनी निकट फॉरेस्ट कॉलोनी हो गए, कुछ नहीं सुन रही, आज भी अभी तक बैठे 1 बजे से बैठे, अभी तक नहीं आई लड़की। और उसके बाप के पास दूसरा नंबर होगा, ठीक, उसके बाप के पास मारा जाए यहीं पे, तो उसको भी बाप का लड़का का देगा नंबर, तो लड़के को नहीं दे रहा है नंबर, कह रहे उसके पास नहीं है, ठीक, तो उसका लड़का नंबर नहीं दे रहा, बाप नहीं दे रहा, बहनों के पास भी होगा, ऐसा कोई नहीं जो नंबर नहीं दे रहा। दे रहे हैं कि सोमवार में हम कोर्ट मैरिज करा देंगे, बस यही कर, सोमवार को कोर्ट मैरिज करा देंगे, कल तो बंद रहेगा ना। देखो आज तारीख सुबह की बात है, 9 बजे की, 9 बजे से आज 3 दिन 3 रात हो गए, लड़की का मैटर मैटर था, मिल जाएगी लड़की, 24-12 मेरे, वो उसका पापा कह रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मैं कोतवाली खरीद चुका हूँ और मौका लगेगा तो मैं आगे तक खरीदूंगा, और वो बैठा हुआ है, कुछ बता नहीं रहा और पुलिस कुछ सुन नहीं रही। तो आपको क्या शंका लग रही है? मुझे शंका ये लग रही है कि मेरी बेटी को मेरे सामने क्यों नहीं पुलिस हाजिर कर रही है, मुझे ये सुनना है मेरी बेटी के मुँह से कि तुम्हें कोई जबरन ले गया है या अपनी राजी से गई, बस अगर वो कह रही कि मैं अपनी राज्य से गई हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो कह रही है कि मुझे लेके गए हैं जबरदस्ती तो उस पर इनकी कार्रवाई करी जाए। और आज परसों कहा कि आज मिल जाएगी रात को 11 बजे, कल कहा आज मिल, कल को कहा कल मिल जाएगी, आज कहा कि आज मिल जाएगी, अभी जब हम लोग सुबह आए तो कहे 4 घंटे में मिल जाएगी,
अब देखिए आप कितना समय हो गया, मिली अभी तक नहीं है। अब जब तक बेटी हमारी नहीं मिलेगी, या यहाँ से हमारी लाश जाएगी, या जो भी होना होगा वो होगा, क्योंकि अब हम बेटी को लेके ही जाएंगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे मेरी बेटी चाहिए। क्या किया है, कहाँ रखा है, किस हाल में है, बताइए हम लोग क्या करें सर। ठीक, हम बहुत परेशान हैं, हमारे बहनोई को हार्ट अटैक आ रहा है, हम लोग रात रात दवा ले रहे हैं, हमारी सिस्टर 4 दिन हो गए मुंह को पानी नहीं जा रहा है। अब आप बताइए कि हम लोग क्या करें, अगर अभी हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग ऐसे ही भूखे यहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि मेरी यहाँ लाके बैठाला जाए, यहाँ पे हमको हाजिर करा जाए भाई, क्योंकि 4 दिन से क्यों नहीं लाया गया, 4 दिन बहुत हुआ, 4 दिन बहुत हुआ भाई। 24 घंटे में कहा था कोतवाल सर कि मैं हाजिर करूंगा, सर ने हाजिर नहीं किया, जब हम लोग सुबह आए तो मिले नहीं, आज फिर हम लोगों को मजबूरन यहाँ आए, और हमारे साथ अगर कोई भी घटना घटी उसकी पुलिस जिम्मेदार होगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, मेरे बच्चों को हुआ, मुझे हुआ, मेरी बहन, मेरे बहनोई को, उसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस को होगी। आज इतवार है, शनिवार है, कल इतवार है, इसलिए टाल मटोली कर रहे हैं पुलिस वाले कि सोमवार को उसकी कोर्ट मैरिज करा दी जाए जबरन, उसके बाद फिर हम लोग क्या कर लेंगे। ठीक, और उसका पिता कह रहा था कि मैंने कोतवाली खरीद ली है, आगे भी खरीदूंगा, तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये हकीकत में वही है, इसीलिए ये टाल मटोली की जा रही है। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं और मुझे तो कुछ लग नहीं रहा कि हमें लाभ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, और देखो हो सकता है कि पूरी रात लग जाए हम लोगों को यहाँ पे, क्योंकि अब हम जब ही जाएंगे जब हमारी आज ही लड़की मिलेगी, हमारी लड़की आके हमारे सामने बयान डाल दे कि कैसा क्या उसके साथ हुआ है, फिर हम लोग चले जाएंगे घर पे, मुझे कोई शिकायत नहीं किसी से।